इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एंड्रॉयड डिवाइस को आईओएस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये आई लॉन्चर डाउनलोड करना होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट उस पेज पे पहुंच जाओगे। आपको इस 3.0.2 के इस पर क्लिक करना होगा, फिर स्टार्ट डाउनलोड। अगर ओके क्लिक करके डाउनलोडिंग स्टार्ट होगा तो इस ये चालू रहेगा डाउनलोडिंग। तो चलिए दूसरे पे दूसरा है डाउनलोड आई नोटी। तो आई नोटी में भी इधर ही फिर डाउनलोड पे जाके बीच वाले वर्जन में क्लिक करना होगा। तो स्टार्ट डाउनलोड, इधर ओके, ये भी डाउनलोडिंग हो रहा है। फिर दूसरा है दूसरा, अभी आपको ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं है, प्ले स्टोर पे मिलेगा। तो प्ले स्टोर पे चल के तो आई पैनल इसको डाउनलोड करना है। इंस्टॉल ओके, फिर है लॉक स्क्रीन, फोन, सेवन। तो ये वाले फर्स्ट इस पे इसको डाउनलोड करना होगा। फिर एसिसिव टच, इस फर्स्ट वाले ऐप को इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉल होएगा, फिर आपको गीक कैमरा, ये इसको भी इंस्टॉल करना होगा। ये आईफोन जैसा है इसका, फिर OS 9 फोन डायलर,
इसको भी इंस्टॉल करना है। इन सब को आपने इंस्टॉल कर लिया है तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे हमारा आई लॉन्चर। इधर क्लिक करने से होएगा, सेटिंग में जाने का, इधर होम का ऑप्शन दिखाएगा। ओके सॉरी, आई लॉन्च इंस्टॉल नहीं किया हम लोग ने। डाउनलोड में जाके देखो, ये आई नोटी है, इसको इंस्टॉल कीजिए। ये होने पर आई लॉन्चर को भी इंस्टॉल करना चाहिए। फिर इसको हम ओपन नहीं कर सकते, डन पे क्लिक करेंगे। फिर एक बार होम बटन दबाएंगे तो भी ऐसा आएगा, तो इस पर डबल क्लिक। तो आप देख सकते हैं ये आईफोन की तरह हो गया है। तो फिर से होम बटन पे क्लिक करेंगे, इसको ऑलवेज ओके। तो फिर हम चलते हैं लॉक स्क्रीन के पास। लॉक स्क्रीन इसका आईफोन की तरह है, तो इसको सिंपल पासवर्ड तो इस पर इधर टिक करना होगा लॉक स्क्रीन को, तो वॉलपेपर इधर मिलेगा हमको, ये वाला अच्छा है। सेट इज बोथ, तो लॉक स्क्रीन का भी हो गया हमारा। फिर ये एसिसिव टच, ये भी ऑन है, देखो इधर आ गया है। थोड़ा सेटिंग में जाके नेट को ऑफ करेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो एड्स आते रहेगा। ये ठीक है, जेस्टर, हाँ जेस्टर पे फर्स्ट वन पैनल ओपन पैनल, सेकेंड है हम रिसेंट टैप रखेंगे डबल क्लिक को, लॉन्ग प्रेस को लॉक। ओके हो गया हमारा सेटिंग कंप्लीट। फिर आता है हमारा फ़ोन, तो आप देख सकते हैं ये फ़ोन सेम टू सेम आईफोन की तरह हो गया है। कॉन्टेक्ट्स पे वैसे ही दिखा रहा है, ये भी सेम आईफोन है। तो हमको इसको इधर से काटना होगा और इसको इधर डालेंगे। ओके तो जो हो गया है इसको एक फोल्डर में डालेंगे हम, इसका भी काम हो गया है। आई नोटी बचा है, अभी आई नोटी को अनेबल करेंगे तो ऊपर देख सकते हैं अब सेम आईफोन की तरह हो गया है अभी ये भी। इसको फिर बैक, आई नोटी का भी काम हो गया है। तभी कैमरा, तो आप देख सकते हैं सेम आईफोन है।
इसको भी हम इधर ही रखेंगे। अब आई पैनल बचा है एक, स्टार्ट सर्विस हो गया, तो पर्सनलाइज करके हमको इधर स्टाइल सेंटर एरो इंडिकेटर रखना होगा इधर नीचे बिल्कुल सेंटर में। ठीक है तो बैक करेंगे, इसको भी करेंगे ब्लर इफेक्ट ऐसे। तो इसको सबको हटा लेंगे अभी पहले, और अभी देख सकते हैं ये बिल्कुल आईफोन की तरह हो गया है, इसमें थोड़े भी बदला नहीं है, बिल्कुल आईफोन दिख रहा है। तो अब इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो रिसेंट ऐप आएगा, प्रेस करके लॉन्ग प्रेस रखेंगे, एक्टिवेट करना होगा, लॉक होएगा। तो अब आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन भी आईफोन की तरह हो गया है। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कैमरा, ये साइड देखिए, तो इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे लॉक हो गया है। फिर ये साइड अगर स्लाइड करेंगे आप, तो देख सकते हैं ये साइड स्लाइड करेंगे, इसका वॉइस आवाज़ भी वैसा ही हो गया है आईफोन की तरह। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर बहुत कीजिए, कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।